अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमरीन इस्माइल फैमिली व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, तो मैं है ना उठते ही पहले नाश्ता कर ली थी। हस्बैंड है ना नाश्ता बाहर से लाए थे, इडली दोसे। बच्चे दोसे खा के पानी नहा लिए और रेडी हो गए नमाज़ के लिए। और मैं भी है ना नाश्ते में इडली खाई थी, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है इडली। और मैं बहुत दिन के बाद खाई आज इडली। और है ना मैं भी फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। आजकल है ना थोड़ा लेट उठ रहे क्योंकि हॉलीडेज़ चल रहे और थोड़े दिन की बात है फिर रूटीन में आ जाएंगे। 12 से रीओपन है स्कूल्स। और यहाँ पर है ना मैं दाल बना रही हूँ थी, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। बच्चे तो है ना अभी दोसे हुए खाए हुए है और उन लोग है ना भूख लगी तो भी उन लोग को कुछ भी मैं दूध हुए दे देती हूँ। और हस्बैंड भी है ना गए हुए है, शाम में ही आते हैं, कोई फ्रेंड के पास गए हुए है। तो मैं यहाँ पर है ना दाल को अच्छे से वॉश करके इसमें 3 टमाटोस कट करके ऐड कर दी हूँ। और इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची हम लोग ज़्यादा खाते हैं, लाल मिर्ची की दाल मैं कभी भी नहीं बनाई क्योंकि हरी मिर्ची की बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिए। और हरी मिर्ची ज़्यादा खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इससे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है और है ना आँखों की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैं है ना दाल में टमाटोस और हरी मिर्ची डाल दी हूँ। हरी मिर्ची आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर अच्छी हरी मिर्ची ज़्यादा ही डाली हूँ और 3 टमाटोस कट करके डाली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ 2 स्पून भर के। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के उसमें अच्छा भर के पानी डाली। और यहाँ पर इमली रख रही हूँ भीगने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी इमली भिगा रही हूँ क्योंकि है ना हम टमाटोज भी डालें तो उसका भी है ना खट्टापन रहता टमाटों का, और इमली भी थोड़ा डालने से इक्वल बराबर हो जाता। तो आप लोग कभी ज़्यादा टमाटे डालें तो है ना इमली नहीं डाले तो भी चलता। और मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा दूध रखी हूँ बॉईल के लिए, जस्ट उसको थोड़ा सा गर्म करती हूँ, जो अभी फ्रिज में से निकाले वो ठंडापन निकल जाए बस। तो मैं यहाँ पर है ना बच्चों को फ्रूट लूप्स दे रही हूँ थी, उन लोगों को एक है ना हल्की सी भूख लग रही थी तो ये बने तक है ना टाइम होता। और है ना कैमरे के साथ जब काम करते कुकिंग का तो थोड़ा लेट पक जाता। वैसे है ना मैं जल्दी जल्दी आधे घंटे में पका देती हूँ खाना सालन, लेकिन है ना कभी कभी कैमरे के साथ करने से एक घंटा हो ही जाता। और है ना ये मुजम्मिल मुजफ़र को फ्रूट लूप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है ना सेम है ना कॉर्नफ्लेक्स या फिर चौकोस टाइप में रहता, लेकिन है ना इसमें फ्रूट्स है। तो ये लोग है ना मुदस्सिर को भी खिला देते, बहुत ज़्यादा हेल्प करते मेरे बच्चे जब तक मुदस्सिर को संभाल लेते मैं कुकिंग करते टाइम पे। और मैं यहाँ पर है ना दाल चावल के साथ आलू भी बना रही हूँ। तो मैं किस टाइप से आलू को बना रही हूँ आप लोग देखिए ज़रूर, बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से मैं आलू को फ्राई करती हूँ। तो है ना फ्रेंड्स, फ्राइडे एक अच्छा जाने के लिए ना हम को है ना थर्सडे से प्रिपेयर होना चाहिए फ्राइडे के लिए। कपड़े वगैरह निकाल के आयरन करना है तो आयरन कर ले सकते हैं, और घर की डस्टिंग वे करके घर क्लीन करके सो गए तो है ना सुबह एक घर अपन को क्लीन मिलता तो एक फ्रेश फीलिंग आती और काम करना भी अच्छा दिखता। किचन भी है ना मैं क्लीन वे करके रात को ही सो गई थी बर्तन वे धो के, तो है ना सुबह उठे तक पूरा ड्राई हो गया था, मतलब है ना जो रात में धो के करके सोए तो वेट था पूरा, सुबह उठे तक क्लीन और ड्राई था। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, नमाज वे पढ़ के सुकून से पका रही थी मैं आज। तो आप लोग भी कभी है ना सुबह नाश्ता करके नमाज हुए पढ़ के भी बना सकते लंच। आजकल तो है ना हर कोई 3 बजे 4 बजे लंच कर रहे, तो मैं यहाँ पर है ना छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में आलू को कट कर रही थी। तो ऐसे में है ना थोड़ी देर में ही अच्छे से फ्राई हो जाते पतले पतले कट करने से, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये विदाउट पानी से बनाना है, सिर्फ तेल में है गलाना है इसको, फ्राई करना है। तो आप लोग भी कभी ट्राई करिए, बहुत अच्छा बना था ये आलू।
तो फ्रेंड्स मैं है ना डेली बच्चों को, जब मैं उठती हूँ तो जब भी बच्चे उठना बोल के मेरी कोशिश रहती, और मैं जब सोई जब भी बच्चे सोना, मतलब बच्चे जब सोते मैं भी जब भी सो जाना, या मैं जब सोती बच्चे भी जब भी सो जाना, तो है ना इसीलिए मैं जब तक जगी मैं बच्चों को लेके जगती हूँ, जब मेरे को नींद आई जब भी मैं सुला लेती हूँ, क्योंकि है ना हम सोते रहे अगर बच्चे उठ गए तो बच्चों के खातिर हम माँ को भी उठ जाना पड़ता, फिर है ना हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती, हम सारा दिन एक्टिव न रहते 8 आवर्स की नींद नहीं हुए तक। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि है ना कि बच्चों पे पूरी नज़र रखने की कोशिश करती हूँ। आजकल है ना बच्चों को बहुत देखना पड़ता, नज़र हटी दुर्घटना घटी का हिस्सा हो जाता। तो फ्रेंड्स साइड में है ना राइस कुक हो गया, दम भी हो गया, उसको हटा दी मैं और एक बड़ी कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल ऐड कर ली हूँ। ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है, मीडियम डालना है, कम भी नहीं डालना है। तो है ना कैन में ऑयल हो गया था, एक साइड में है ना ये कढ़ाई में ऑयल था, जिसमें है ना मैं मुरकुल हुए फ्राई करती हूँ पापड़ हुए, तो वो ही ऑयल ऐड कर ली हूँ, थोड़ा सा राया और करियापक और ये आलू डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे और फ्लेम मीडियम पे रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। और इसमें भी है ना मैं हरी मिर्ची अच्छे से भर के ऐड कर रही हूँ। तो हरी मिर्चियों को है ना स्लाइस में कट करके ऐड करना है। और ये जो मैं आलू बना रही हूँ ना, ये आलू है ना रोटी के साथ भी और राइस के साथ भी बहुत टेस्टी दिखता है। तो मैं अभी तो रोटी नहीं बना रही हूँ थी, सिर्फ राइस के साथ ही खाना है, दाल के साथ बहुत अच्छा दिखेगा, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। तो अब इसको है ना लो फ्लेम पे रखे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। और इसमें जाएगा नमक अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ पर 1/2 स्पून भर के डाली थी नमक, और अच्छे से बीच बीच में चलाना है। और हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, तो जो भागदौड़ सुबह की रहती मॉर्निंग की, और फ्राइडे में पकाना रहता, नमाज़ पढ़ना रहता, पढ़ाई करना रहता, तो वो सब है ना पहले ही कर लिए थे और आराम से बना रही हूँ मैं। तो आप लोग भी ऐसी पीसफुल फ्राइडे गुजार सकते। सेम फ्राइडे के जो काम आ रहते वो थर्सडे के दिन है ना शाम में ही सोने से पहले कर लेने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती। तो मैं यहाँ पर है ना थोड़ी सी कोथमीर ऐड करी हूँ, देखिए कितना अच्छा दिख रहा। और ये कुक हो गए अच्छे से, गल गए आलू, इसको साइड में रख दी हूँ। और ये जो कुकर है ना इसके भी है ना फ्लेम ऑफ कर दी थी मैं, और इसकी पूरी ये सीटी पूरी लीक करे बाद है ना ये देखिए अच्छे से दाल पूरी गल गई। इसको है ना मैं घोटती हूँ, नहीं घोटने की ज़रूरत नहीं है, यही चमचे से है ना ये जो डोई बोलते हैं ना ये लकड़ी का चमचा यही यूज़ करना, इससे भुनने में बहुत अच्छी मदद हो जाती। तो मैं यहाँ पर है ना जो इमली भिगा कर रखी थी उसी का जूस ऐड कर रही हूँ, फिर सेम और एक बार उतना ही जूस ऐड कर दी हूँ। पानी भी अपने हिसाब से ऐड करना है, कितनी थिक रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते। तो मैं ज़्यादा यहाँ पर है ना पतली दाल नहीं बनाती हूँ, और इसमें नमक डाल दी हूँ, नमक अब डाली हूँ मैं, गलाने में कुकर में नहीं डाली थी। और इसमें फिर से हरी मिर्ची ऐड कर दी हूँ, आप लोग भी देखिए ऐसी हरी मिर्ची डाल के बहुत टेस्टी बनती। तो अब है ना ये खट्टा बॉईल हुए तक इसको पकाएंगे, तो मैं इसको साइड में रख दी थी, तो इसी ये वाले इस पर है ना जब तक कि इसके साथ है ना मुरकुल और मिर्चियाँ भी तल लेंगे। तो मुरकुल माने है ना, तो मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग से, ये जो बढ़िया रहते ना वो मम्मी बनाए थे धूप काले में। ये दहेंगे मिर्चियों की भी रेसिपी डाली हूँ मैं मेरे चैनल पे, तो ये मुजम्मिल को बहुत ज़्यादा पसंद मिर्ची, और मेरे को भी पसंद, हस्बैंड को उतना नहीं पसंद दहेंगे मिर्ची, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर साथ में ये बढ़िया भी निकाल दी मैं, इसकी भी रेसिपी अपलोड करूँगी, मेरे पास पूरे वीडियोस है, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा ज़्यादा एडिट करके अपलोड करने का, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे डेली व्लॉग्स डालती हूँ। तो ये देखिए ये डालते कि है ना अच्छे से फूल गए,
फ्लावर्स के शेप में दिखते ये, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते। हस्बैंड को और मेरे छोटे बेटे मुदस्सिर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना आज दाल बनाई बोल के इसके साथ, ये ज़रूरी है। वैसे भी है ना, खाने के साथ हम लोग दही की मिर्ची और ये बढ़िया डेली फ्राई करते। तो फ्रेंड साइड में है ना दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो अब इसमें तड़का लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो गरम तेल था उसी को है ना, वो स्टेनर जो ये स्पून है ना, स्टेनर वाला कबगीर, इसे थोड़ा छानते हुए निकाल ली थी। और ये तेल गर्म ही है तो जल्दी हो जाता। जैसा ये तेल थोड़ा और हीट हो गया, उसमें है ना मैं थोड़ा ज़ीरा और राया और ये करियापत सूखी मिर्ची डाल के है ना बगाड़ दी हूँ। तड़का लगा लेंगे दाल में। तो इसको ऑफ़ कर दी थी मैं, ये जल्दी से है ना मिर्ची जल जाती। इसको लास्ट में ही डालना मिर्ची को। और ये दाल रेडी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, ऐसी बनाइए। मैं चैनल पे मैं पहले भी है ना दाल की रेसिपी डाल दी हूँ, तो मैं हमेशा यही मेथड से बनाती हूँ दाल। तो चावल और दाल, आलू की सब्ज़ी, आलू फ्राई, मुरकुल, दही की मिर्ची, और इसमें घी भी था गरम गरम खाने में। मेरे को बहुत ज़्यादा घी पसंद है। तो हस्बैंड तो नए थे लंच करने में के टाइम पे, और अभी टाइम है ना 3:30 हो रहे, और साथ में ठंडा ठंडा पानी अच्छा दिखा बना के खाए तो। और मैं असर की नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद अभी शाम का टाइम था, हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम लोग के लिए मैं चाय बना ली थी। और हम लोग के साथ है ना बच्चे भी है ना ये डिप करके खाते। इसमें ये है बटर। असल में है ना मेरे को कड़क पाव खाने का बहुत टाइम से दिल है। वो मुंबई में मिलता कड़क पाव, तो मैं कड़क पाव बोली थी हस्बैंड को, लेकिन है ना उन्होंने बोले थे किसी को लाने के लिए, उन लोग है ना ये बटर ला लिए। इसको बटर बोलते हैं लोग, बोल रहे कि ये कड़क पाव है, लेकिन ये कड़क पाव नहीं होता। कड़क पाव पे है ना बटर लगा के चाय में डिप खाए करके खाए तो बहुत टेस्टी रहता। मैं बचपन में खाई थी बम्बई में, हमारे दादी लेके गए थे मेरे को बम्बई, तो जब खाई थी मैं। और ये देखिए, तो मैं यहाँ पर है ना सैंडविच बना रही हूँ थी, ऑमलेट का सैंडविच। ये जो तवे पे दिख रहा है ना, अभी मैं हस्बैंड को बना के दी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो बच्चों को भी होने का था, तो फिर से आ गई थी मैं बच्चों के लिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं है ना सिंपल ऑयल डाल के है ना ऑमलेट फ्राई कर ली हूँ पहले, फिर ब्रेड को है ना बटर स्प्रेड कर ली हूँ, फिर टोस्ट कर ली हूँ, उस पर चीज़ भी ऐड करी हूँ, और जो ऑमलेट फ्राई करके रखी थी उसको रख ली हूँ उस पर बीच में, और थोड़ा सा है ना टमाटो केचप भी लगा दी थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यही था, आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंटेंट, एक न्यू रेसिपी के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तो फ्रेंड्स ज़िलहज का महीना स्टार्ट हो गया, हम लोग सहरी भी कर लिए, मैं हस्बैंड रोज़े रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।